हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है नवंबर 2022, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। मेरे साथ एंड तक रहिएगा क्योंकि मैं इसमें कुछ ओरेकल डेक्स भी इंक्लूड करूँगी, विजडम चक्र ओरेकल डेक, मोनोलॉजी एंड दिस रोमांस एंजल ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। टॉरस, इन मंथ ऑफ नवंबर में, नवंबर 2022। ओके, नवंबर 2022 जो है वो टॉरस के लिए कैसा होगा। ओके, सो व्हाट आर द मैसेजेस फॉर टॉरस इन मंथ ऑफ नवंबर 2022। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर टॉरस इन मंथ ऑफ नवंबर 2022। ओके, one more card. Underneath the deck, आपके पास है द सन, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग पीरियड आपका जो है रीयूनियन हो सकता है किसी पर्सन से जो कि फायर साइन है। लियो भी हो सकते हैं वो पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट यहाँ पर मेजर रिकंसिलिएशन इस पर्सन के साथ है और ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आ रहा है आपके लिए। ये कनेक्शन जो है वो आपके लिए हैप्पीनेस लेके आएगा। सो देखते हैं कि अदर मैसेजेस आपके लिए क्या हैं यहाँ पे। ओके, फाइव ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो या यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड भी है। सो ये आपके लिए एक मेजर रिकंसिलिएशन का मंथ है। दो के आपकी बहुत ज़्यादा लाइक आप और आपके पार्टनर जो है वो सेम पेज पे हो सकते हैं, चाहे आपका कोई भी साइन हो। आप टॉरस हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फायर ट्रेट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लाइक आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हो सकते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा पैशन एक दूसरे के लिए इग्नाइट कर सकते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे की तरफ, जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जो भी उनका साइन है। लेकिन इस टाइम पर आप लोग जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में होंगे। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करेंगे, एक दूसरे के लिए एक्शंस ले सकते हैं और लाइक जितने एक्शन आप ले सकते हैं, जितने बोल्ड स्टेप्स आप उठा सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, उतने ही बोल्ड स्टेप्स और एक्शन जो है वो आपके पार्टनर भी ले सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। दो के यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इंटरफेयर कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से उनकी फैमिली हो सकती है या फिर आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जेलस पीपल हैं जो कि नहीं चाहते ऐसा कि इस कनेक्शन में कुछ अच्छा हो। बट यहाँ पर आपको लाइक एकदम से चीज़ें नहीं मिलेंगी। पैशन तो एक दूसरे के लिए इग्नाइट हो जाएगा बट एकदम से चीज़ें वैसे नहीं मिलेंगी आपको जैसे आप चाहते हैं। हो सकता है आपको इसके लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़े। स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट मिल सकता है, तो यस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वैसे तो आपके पार्टनर हो सकता है मंथ ऑफ अक्टूबर के एंड में थोड़ा सा उन्होंने कुछ एक्शन लिया हो, बट मिडिल ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर उनकी तरफ से कोई एक्शन जो है वो फिर से इमेच्योरिटी की तरफ चला जा सकता है। उनके एक्शंस जो है वो इमेच्योर हो सकते हैं, पहले उन्होंने लिए बट हो सकता है आगे जाके वो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो लोगों की इंटरफेरेंस है उसकी वजह से वो अपने एक्शंस में थोड़ा सा बदलाव लेके आ सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है, या फिर आपकी तरफ से हो सकता है। सो यहाँ पर कन्वर्सेशन मिसिंग है, एक क्लियर कट कन्वर्सेशन होती है ना वो थोड़ी सी मिसिंग रह सकती है मिडिल ऑफ द मंथ में। लाइक
स्टार्ट ऑफ द मंथ में या एंड ऑफ द मंथ में आपका रिकन्सिलिएशन तो है और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आप दोनों की एक दूसरे के साथ हो सकती है, बट मिडिल ऑफ द मंथ में जाकर आपकी आपके पार्टनर की तरफ से आपको थोड़ा सा इमेच्योर एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है वो इन इन लोगों से डील कर रहे हैं इन लोगों से डील कर रहे हैं मिडिल ऑफ द मंथ में, ताकि जिसकी वजह से उनका एक्शन थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है और कम्युनिकेशन भी जो है वो आपको थोड़ा सा चैलेंज लग सकती है अपने पार्टनर के साथ, लाइक कम्युनिकेशन में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकती है, जो बात आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे या जो डिसीजंस आप लेना चाहते हैं वो डिसीजंस आप ले नहीं पाएंगे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के लिए हो सकता है। लेकिन आपके जो माइंड में जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट फील हो सकती है या फिर आपकी ख्वाहिश है कि ये रिलेशनशिप दोबारा से ठीक हो जाए सेकंड चांस की। सो यहाँ पे एनर्जी आपके लिए यही है, आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, मेजर रिकन्सिलिएशन, और आप सेकंड चांस लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं इन द एंड ऑफ द मंथ में भी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो जो आपको हर्डल्स अपनी कम्युनिकेशन में मिडिल ऑफ द मंथ में नज़र आएंगे वो आपको एंड ऑफ द मंथ में वो हर्डल्स नहीं नज़र आ सकते आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी अपने पार्टनर से एक क्लियर कट बात करने की, क्योंकि आपकी ख्वाहिश यही है कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना चाहते हैं, ये जो भी टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी है इसको आप एंड करना चाहते हैं और लाइक कॉन्फ्लिक्ट एंड करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप से ख़त्म करना चाहते हैं। दो के आपके पार्टनर सिंगल लाइफ भी बहुत अच्छी, वो भी अपने फाइनेंसेस पे फोकस करें, सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए की कोशिश करें, और आप भी अपने फाइनेंसेस पे बहुत अच्छे जा रहे हैं, लाइक अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या अपना कोई नया वर्क काम स्टार्ट किया है तो वो सब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, लाइक आप भी बिल्कुल कमिटमेंट देने वाले जो एनर्जी होती है, एक्शंस भी ले रहे हैं कमिटमेंट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इमेच्योर एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आपकी तरफ से भी आपके पार्टनर की तरफ से भी, लेकिन हो सकता है इमेच्योर एनर्जी ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर की तरफ से हो, ये उन लोगों की इमेच्योर एनर्जी हो सकती है जो इस रिलेशनशिप में कुछ हर्डल्स पैदा कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों से और आपको ये भी मुश्किल हो सकती है कि आप इन लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट भी नहीं कर सकते, ये चैलेंज है आपके लिए कि आप जिन लोगों से आपको परेशानी है, हो सकता है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो, आपकी फैमिली हो, आपके पार्टनर की फैमिली हो, जो भी हो, जिससे भी परेशानी है उससे कट आउट आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते, ये भी आपके लिए चैलेंज हो सकता है। तो इन द एंड ऑफ द मंथ में आप एक क्लियर कट कन्वर्सेशन हो सकती है और एक सेकेंड चांस आपको इस रिलेशनशिप में ज़रूर मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। फर्स्ट मैं जो है रोमांस एंजल ओरेकल डेक से एक मैसेज लेती हूँ आपके लिए, टॉरस रोमांस एंजल ओरेकल डेक, व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम रोमांस एंजल ओरेकल डेक फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। फर्स्ट मैसेज इज ट्रू लव। सो एज आई सेड पैशन तो है लेकिन यहाँ पे ये ट्रू लव है आप दोनों के दरमियान, ये जो भी है ये ट्रू है, आप लोग की फीलिंग्स पैशन सब कुछ ये एक ट्रू लव है, तभी आपको यहाँ पर एक सेकेंड चांस मिल रहा है इस पर्सन से। ओके सो अभी इस डेक से विजडम चक्र ओरेकल डेक से एक कार्ड लेते हैं फॉर यू। कंप्लीशन, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर किसी चीज़ का एंड है, लाइक एक कॉन्फ्लिक्ट का एंड है जिसके बाद आपकी रिकन्सिलिएशन हो रही है, कि आपका रिलेशनशिप एंड नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट का एंड है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड है और आप दोबारा से अपने रिलेशनशिप को रिस्टार्ट करें अपने पार्टनर से, जो भी ये पार्टनर है उनकी जो भी साइन है, क्योंकि आप बहुत सारे साइंस हैं तो सब एक साइन ही हो सकता है आपके पार्टनर का, सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे जिस कमिटमेंट कम्युनिकेशन भी मुझे नज़र आ रही है सब कुछ जो है वो एक मेच्योर लेवल का है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंज है। एज आई सेड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, लाइक जो भी एंड है टफ साइकिल जो भी आपकी लाइफ की थी वो ख़त्म हो रही है और अब आप जो है एक नया स्टार्ट लेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, जो भी आपकी विश थी वो आपको शायद ग्रांट हो रही है यहाँ पर इस मंथ ऑफ नवंबर में। आप दोनों सेल्फ सफिशिएंट भी हैं, अपने अपने तौर पे इस रिलेशनशिप को आप लोग नर्चर कर सकते हैं, सिर्फ मोहब्बत से ही नर्चर नहीं होता है रिलेशनशिप, उसमें कुछ मटेरियल थिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है,
तो जाके एक रिलेशनशिप वो आगे बढ़ता है। आपको अपने पार्टनर की नीड्स देखनी है, आपके पार्टनर को आपकी नीड्स देखनी है, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप चलते हैं। तो ये ट्रू लव है, तो आपके जो इस एक सिचुएशन है वो कल्मिनेशन तक पहुंच रही है, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट साइकिल जो है वो एंड है और एक न्यू स्टार्ट है। सो टॉरस, ये था आपका आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।